खबर रीवा जिले से है, जहां रायपुर करचुलियान देवरा फरेंदा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रीवा द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर टंकी का निर्माण हुआ और लोगों व गरीबों में भारी खुशी हुई कि सबको मीठा पानी सप्लाई के माध्यम से मिलेगा। लेकिन 4 महीने बाद ही सब कुछ स्वाहा हो गया और 7 महीने से पानी की सप्लाई बूंद भर भी नहीं हो पाई। कारण सड़क का निर्माण कार्य में सारी पाइपलाइन का सर्वनाश ठेकेदार द्वारा कर दिया गया, जिससे विशाल पानी की टंकी स्मारक हो गई और लोगों की पहचान भी है कि पानी की टंकी के पास रहते हैं या मिलेंगे। हमारी शान और पहचान टंकी है। इस भीषण समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी की युवा समाज सेवी नेता सुधीर साहू व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्यासे लोग उपस्थित हुए, जिसमें जिला प्रशासन व क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को क्षेत्रीय समस्या से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हवा हवाई में चलने वाले इस विधायक को जनता भी हवा हवाई में उड़ाएगी। सुधीर साहू ने कहा कि हम प्यासे लोग जानते हैं कि पानी की कीमत, आज यह भीड़ देखकर लगता है कि समस्या वास्तव में काफी जटिल है। आज हम सब इस स्मारक रूपी पानी टंकी पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि यह हमारी आन बान शान है और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रखा जाए, जबकि इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन सूचित तक सब रह गए। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत 4 महीने पहले ही दर्ज कराई गई थी, फिर भी धन्यवाद है ऐसे शासन प्रशासन को जिन्हें जिम्मेदारी का निर्वहन करना नहीं आता और करोड़ों रुपए खर्च कर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सौंपा गया है। इस संबंध में अधिकारियों से बात हुई जो असहमति जताते हुए पल्ला झाड़े हैं, जिस पर उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि अगर एक पखवाड़े बाद पड़ने वाली गर्मी में अगर चालू नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन को रूप दिया जाएगा। इस दौरान सभी ने टंकी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। देवी देवता है, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, क्षेत्रीय विभाग मुर्दाबाद, 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 हमको पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, हमको पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, जी भाई। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रदेश के मुखिया को और ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत उनकी जनता प्यासी मर रही है। विधायक का मुख्य, सबसे ज़्यादा जो उसका मुख्य के काम होता है कि विधानसभा की जनता के जो जनता है उसको कोई समस्या ना हो, उसको टाइम से बिजली मिले, पानी मिले। पर आप समस्या यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से हमारे ग्रामवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत की गई, पर इसकी 181 में कई बार शिकायत की गई, हमने कलेक्टर साहब को कहा, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से इस प्रशासन को बताना चाहता हूं कि अगर आज हम इस टंकी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि टंकी 6 महीने से बंद है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, और इस टंकी में अगर पानी 1 हफ्ते का टाइम भी देते हैं शासन को, नहीं चालू होता है, तो हम यहीं बगल में टेंट लगा के धरना देने काम भी करेंगे। उसके बाद भी अगर 10 मिनट पानी नहीं चालू, तो उसके बाद भी 10 दिन का टाइम देंगे हम प्रशासन को। अगर तब भी नहीं चालू होता है तो हम बता दें, अगर हम महात्मा गांधी को मानते हैं, अगर हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो हम भगत सिंह को भी मानते हैं, हम इस रोड को जाम करने का भी काम करेंगे, हम पीएचसी करने का भी काम करेंगे। इसलिए मैं चेताना चाहता हूं कि प्रशासन को, पीएचसी विभाग के बड़े अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को और यहाँ के विधायक को, इस जनता ने अगर आपको विधायक बनाया है तो आपको ज़मीन में गाड़ना भी जानती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण हो।